शराबी के घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज फैसला सुनाएगा। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और सुनवाई अदालत ने 20 जून को उन्हें धन शोधन के मामले में जमानत दे दी थी। 29 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे के करीब फैसला आने की संभावना है। वहीं फैसले से पहले आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी नेताओं की नजर हाईकोर्ट के फैसले पर आकर टिक गई है। बता दें, भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। इसके अलावा अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं गिरफ्तारी पर केजरीवाल का कहना है कि सीबीआई ने अवैध तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर की गई है, मतलब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि वह जेल से बाहर न आ सके। बता दें कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में दाखिल की थी।